आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा। कोई एक रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होगा। पठानकोट अबरोल नगर लिंक रोड पर बने पुल पर फैली गंदगी लोगों के लिए खासी परेशानी का कारण बनी हुई है। लोगों का कहना है कि टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण ज़्यादातर लोग खाने पीने की चीज़ें नहर में ही फेंक देते हैं, जबकि धार्मिक पूजा सामग्री का सामान और शहर का सीवरेज तक भी घिरने से नहर का पानी दूषित हो रहा है, जिसे लेकर स्थानीय वासियों ने रोष जाहिर किया है। नमस्कार जी, मेरा नाम हरप्रीत है और मैं अबरोल नगर से रहने वाला हूँ। और ये जो एक टूरिस्ट स्पॉट है ये अबरोल नगर के पास, तो यहाँ पे लोग जो आते हैं यहाँ पे ये कचरा फेंकते हैं नदी के अंदर। तो सो प्लीज़ आपसे ये निवेदन है कि ये यहाँ पे आप कचरा मत फेंकिए करिए। ये नदी जो है हमें इसको क्लीन रखना चाहिए। और ये टूरिस्ट स्पॉट भी है, जो भी आप खाते पीते हैं इसको डस्टबिन में डालें एटलीस्ट। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, पूजा की फ़ोटो हैं सामग्री ये सारी नदी में फेंकते हैं, तो प्लीज़ आप इसको ऐसा मत कीजिए। ये जो नदी है ये पूजा करने के लिए नहीं है। इस नदी में अगर आप ये चीज़ डालेंगे तो इसमें जो रहने वाले जीव हैं वो सारे ख़त्म हो सकते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़। और पानी भी है, ये भी पोल्यूटेड हो रहा है इसके कारण, सो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए और नदी में कूड़ा ना फेंकिए बस। और इसमें जो बच्चे हैं, बच्चे आके नहाते भी हैं, तो पहले भी एक दो चांस हो चुके हैं जिसके चलते कि जो बच्चे हैं वो नदी में बह गए हैं, फिर हमारे लड़कों ने पकड़े हैं। तो बच्चों को भी ये कहा जाता है कि यहाँ पे नहाइएगा नहीं बस। थैंक यू। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ पे जो कूड़ा फेंकते हैं, आपने यहाँ पे रेलिंग करवाई है मगर तब भी यहाँ पे किसी बंदे की ड्यूटी लगाई जाए जो कि यहाँ पे ध्यान रख सके एटलीस्ट 2 दिन 1 हफ्ता कि यहाँ पे कूड़ा ना फेंके, फिर वो अपने आप ही हट जाएंगे, बस इतना ही कहना। मेरा नाम मानिका मैम, मैं अबरोल नगर से ही हूँ। तो जैसे ये देखा जा रहा है ना मैम, यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। मैं आपको वीडियोज भी सेंड करूँगा। हम यहाँ पे सफाई भी करते हैं, लोग आते हैं मैम गंद फिर से डाल देते हैं। ये किसी एक बंदे से सही करने से नहीं होगा, सबको मैम इसमें योगदान देना पड़ेगा। और आप देख लो मैम, ये डस्टबिन लगे हुए हैं ना यहाँ पे, इस पूरी ट्रैक पे डस्टबिन लगे हुए थे 5-7, इस वाली ट्रैक पे भी और इस वाली ट्रैक पे भी। अब यहाँ पे एक भी डस्टबिन नहीं है। सभी निशेड़ियों ने पता नहीं क्या किया हुआ, उसको तोड़ तोड़ के उसका लोहा निकाल लिया हुआ, या पता नहीं क्या किया हुआ। अब हमारे यहाँ पे भी हमें कोई डिस्टर्ब नहीं दिखता और ना वहाँ पे दिखता। और रही बात मैम यहाँ पे नहर की, यहाँ पे पहले लाइट्स लगी हुई थी, अब नहर इतनी लगी हुई पता नहीं कहाँ पे टूट वूट गई हुई हैं। और लोग हैं जो वहाँ पे पता नहीं, जैसे नवरात्रे होते हैं ऊपर से ही सारा सामान नीचे फेंक देते हैं। और मैम क्या बोलूँगा बताओ, अभी बर्गर की अभी देखी होगी आपने ना, कुलचे छोले लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। इन्होंने मैम, हमने इनको बोला था कि अपना अपना पर्सनल डस्टबिन लगाओ, जिससे जो कि गिलास जो तुम्हारे हैं या जो रैपर्स हैं नैपकिन है वो, मैम इन सब ने अपना अपना डस्टबिन लगाया हुआ है। और रही बात मैम पेड़ों की, जैसे हम यहाँ पे गंदगी फैलती है ना मैम, इससे हमारा पर्यावरण भी ख़राब हो रहा है, पेड़ों की जड़ें भी ख़राब हो रही हैं। यहाँ पे पहले कितने पेड़ थे, अब तो दिख नहीं रहे, ये देख लो मैम गिने चुने ही रह गए होंगे।
सकते हैं कुछ करना? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ पे जो भी कूड़ा फेंकते हैं उनका आप किसी बंदे की यहाँ पे ड्यूटी लगाएं कि उन बंदों के पकड़ पकड़ के चलान किए जाए, यहाँ CCTV लगाया जाए ताकि वो CCTV से उसको एनालाइज करके उनके जो चलान उनके घर पे भेजे जाएं। उनकी गाड़ियों के चलान कर दें, वो अपने आप ही पकड़े जाएंगे, ठीक है, उनका जो भी नंबर मिल जाएगा, इसलिए इनके चलान किए जाएं बस। नहीं तो ये ऐसे नहीं रुकेंगे। अगर आप ये रेलिंग लगा देंगे, रेलिंग लगाने से ये रुक जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि ये रेलिंग लगाने से रुक जाएंगे, इनके चलान किए जाएं तभी ये रुकेंगे नदी में कूड़ा फेंकने के लिए। एक बात मैम मैं और कहना चाहता हूँ, जो ये सर्कुलर रोड नहीं है ये मैम, इस रोड पे ना जो ये हॉस्पिटल ना इसके साथ ही मैम पता नहीं गोबर के इतने ढेर लगाए हुए हैं लोगों ने। जब सरकार ने बोल दिया हुआ है कि मोहल्लों में डेयरी नहीं होनी चाहिए, तो ये क्यों है मैम इतना गोहा लगाया हुआ है यहाँ पे? इससे मच्छर नहीं आएंगे क्या? डेंगू नहीं सब कुछ फैलेगा? तब भी लोगों को समझ ही नहीं आ रही मैम, फिर रोज़ सुबह गोहा फेंक जाता है यहाँ पे आके। आप इसकी वीडियो बना के भी बताना इनको।